तो गुड इवनिंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में, वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्त, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नया एयरलाइन शुरू हुआ है, एयर बबल्स के माध्यम से जो उड़ानें शुरू हुई है, हम उसी के बारे में बताएंगे। और ये उड़ानें 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इसके बारे में पूरा डिटेल देंगे। और इसके बारे में ये भी बताएंगे ये सोर्स कहाँ से आ रही है और न्यूज़ ये अपडेट कहाँ से आ रही है, इसके बारे में पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पर आप बने रहिए, और वीडियो पर आप नए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट होते हैं मैं हमेशा यहां पे आपको देते रहता हूं। तो चलिए यहां पे पूरा मैं बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं अभी तो बांग्लादेश से भारत आने और भारत से बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ पर आप सभी को करीब के लिए करीब 8 महीने के बाद अब जाकर खुशखबरी आ गई है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर अभी अभी द टैली स्टार द हिंदू की तरफ से एंड हिंदू की तरफ से एक खबर आ रही है कि बांग्लादेश के 3 एयरलाइंस कंपनी विमान बांग्लादेशी एयरलाइंस, US बांग्ला एयरलाइंस और नोवो एयर शुरू में एक वीक में 28 उड़ानों को भारत के लिए 28 अक्टूबर से शुरू करेगी। वहीं आपको बता दूं, वहीं भारत के लिए एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और गो एयर एक सप्ताह में 28 उड़ानों को दोनों देशों के बीच शुरू करेगी। बांग्लादेश में 3 एयरलाइंस कंपनी, जिसमें से पहली विमान एयरलाइंस ढाका से दिल्ली और ढाका से कोलकाता और मार्गों से उड़ान भरेगी। दूसरी एयरलाइंस की बात कर लेते हैं कि दूसरी एयरलाइंस कंपनी US से बंगला और एयरलाइंस ढाका से चेन्नई मार्ग के लिए, तीसरी एयरलाइंस नोवा एयर ढाका से कोलकाता के लिए अपनी उड़ानें शुरू करेगी। और भारत से बांग्लादेश के लिए उड़ानों की 5 एयरलाइंस कंपनियां भी ढाका के लिए दिल्ली, ढाका से चेन्नई, ढाका से कोलकाता और ढाका से मुंबई के लिए अपनी उड़ानों को शुरू करेगी। बांग्लादेश से लाखों लोग भारत से ट्रैवल करने के लिए आते हैं, जिनसे ज़्यादातर लोग इसमें इलाज कराने के लिए भारत में आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण इन उड़ानों को बंद होने के कारण ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब उम्मीद है कि फ्लाइट को दोबारा शुरू होने से बांग्लादेश के साथ साथ भारतीय लोगों को भी ट्रैवल करने में मदद मिलेगी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट जो बांग्लादेश में जाना चाहते हैं और बांग्लादेश से इंडिया वापस आना चाहते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट था जो आपको देना मैं ज़रूरी समझा। और भी कुछ अपडेट आता है तो ज़रूर आपको मैं यहाँ पर न्यू अपडेट देते रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।